बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम बात करेंगे इनकोडर एंड डिकोडर सर्किट के बारे में कि डिजिटल सिस्टम में आप इनको किस तरह यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3-8 डिकोडर की बात करेंगे। डिकोडर एक ऐसी डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है। अब इस ब्लॉक में देखेंगे हम बाद में क्या चीज़ आती है कि जिसको आप 3 इनपुट अप्लाई करते हैं और 3 के कम्बिनेशन आपके 2 की पावर 3 में 8 आपको आउटपुट मिलती हैं। अभी आपने 3 इनपुट्स अप्लाई किए हैं तो इट्स मीन कि आपके 8 कम्बिनेशन बनेंगे। अगर आप फर्स्ट कम्बिनेशन को देखें जिसमें 0 0 0 तीनों इनपुट 0 हैं, तो उस केस में आपकी जो डी नॉट वाली आउटपुट है वो 1 होगी, बाकी सब 0 होंगे। ये आपने नीचे इसके डेसिमल जो एब्रीवेशन दी हुई है अपनी आसानी के लिए कि आपको ईजी हो जाए इन इनपुट्स को याद रखने के लिए। इसी तरह अगर आप कोई और फॉलो करते हैं लाइक ये वाला जो लॉजिक है, तो इस केस में आपकी ये बनती है D5। सो D5 वाली आउटपुट आपकी 1 होगी, बाकी सारी आपकी आउटपुट 0 होंगी। अब इस ब्लॉक में क्या आपके ये आपके जो लॉजिकल डायग्राम आएगी, अब आपने ये लॉजिकल डायग्राम बनाई किस तरह है, आपने इसी ट्रू टेबल को लेके अगर आप पहला सीक्वेंस देखें जिसमें आपकी तीनों इनपुट 0 हैं और आपकी सिर्फ डी नॉट वाली आउटपुट 1 है, तो इसको आप बाय यूजिंग अगर एंड गेट बनाएंगे तो आपकी जो तीनों इनपुट्स A0, A1 और A2, ये तीनों इनपुट्स जब 1 होंगी तो आपकी आउटपुट 1 होगी। अब आपकी तीनों इनपुट 0 हैं तो आप इनको इन्वर्टेड फॉर्म में अप्लाई करेंगे, जब इन्वर्टेड करेंगे तो वो डी जो आपका एंड गेट होगा उसकी इनपुट 1 मिलेगी, उस केस में आपकी जो डी नॉट वाली आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। ये सीक्वेंस देख लें आप कि आप इसको तीनों इन्वर्टेड इनपुट देंगे तो देन आपका ये वाला गेट ऑन हो जाएगा। इसी तरह आप कोई और सीक्वेंस जब अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये लास्ट वाला देखते हैं कि जिसमें तीनों इनपुट्स 1 होंगी, तो उस केस में आपका जो D7 वाला गेट है उसकी आउटपुट हाई होगी। तो उसके लिए कम्बिनेशन क्या बनेगा, ये D7 वाले गेट में देख लें कि आपकी तीनों इनपुट सिंपल आप इसको 1-1 अप्लाई करेंगे। इसी तरह आप बाकी भी इसको चेक कर सकते हैं। सो आपके पास ये है। अब नेक्स्ट है 3-8 डिकोडर। 3-8 डिकोडर में आप 3 इनपुट्स अप्लाई करेंगे। आप इसको भी बाय यूजिंग 2-4 डिकोडर भी आप बना सकते हैं। 2-4 डिकोडर लें, उनको इस तरह आपस में कनेक्टेड करें तो आपका 3-8 डिकोडर भी बन सकता है। ये सेम दोबारा इसका वो ट्रुथ टेबल है, आप इसको इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखें ये जो आपके जो अंडर सर्कल है, ठीक है, ये बता रहा है कि आपका ये 2-4 डिकोडर एक है जिसमें आपकी ये पहले वाली जो 0 से लेकर 3 तक आपकी डायगनली आपकी जो गेट्स हैं इनकी 1 होगी। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका D4 से D7 है, ये वाली 0 होंगी और ये वाली 1 होगी। तो इस तरह आप 2-4 से भी आप 3-8 डिकोडर बना सकते हैं। अब ये आपका 5-32 बिट्स है, आप इसको भी इस तरह डिजाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन आपका है मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर आपका वो डिवाइस है जो टिपिकली एप्लीकेशन उसमें आप 4-1 मार्क्स, 8-1 मार्क्स, 16-1 मार्क्स, अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की स्केलिंग कर रहे हैं, सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर आप 4-1 कर रहे हैं तो वो आपकी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, इसी तरह आप 8-1 16-1 कर रहे हैं तो वो आपकी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है। इसी तरह डी मार्क्स में आप 1 इनपुट होगी, उससे आपकी मल्टीपल आउटपुट्स आएंगे। मल्टीप्लेक्सर में आपकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, उससे किसी एक आपको इनपुट को सिलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सिलेक्शन लाइन से, और उसके लिए आप आउटपुट पे 7 सेगमेंट लगा सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं। सो ये आपका मक्स का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप इनपुट देंगे, इनपुट आपकी मल्टीपल सोर्सेस से आएगी, उसमें से कोई सी भी एक आउटपुट जो आपको रिक्वायर होगी आप उसको यूज करेंगे। नीचे एक चीज है सिलेक्ट लाइंस की। सिलेक्ट लाइन का मतलब यह है कि जिस इनपुट को आप आउटपुट पे चाह रहे हैं उसके सीक्वेंस को आप अप्लाई करेंगे, उसकी लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और वो वाला गेट आपका ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपको उस गेट की आउटपुट आपको मिल जाएगी, बाकी सब की गेट्स आपकी आउटपुट उनकी 0 मिलेगी। ये डिफरेंट टाइप के मार्क्स हैं। अब ये आपके पास एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है कि एक डिवाइस के साथ आपकी सिस्टम के साथ बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं कि आपने इसमें से किसको यूज करना है, आपके पास स्पीकर है, स्पीकर पे आप किस चीज को कनेक्ट करना चाहते हैं, MP3 को, साउंड कार्ड को, किसी भी रिसीवर को या उस चीज को।
अब उसके नीचे डिफरेंट ये सिलेक्शन सोर्सेज के सीक्वेंस दिए हुए हैं कि 00 के लिए आपका MP3 हो जाएगा, 01 के लिए लैपटॉप आपका कनेक्टेड हो जाएगा, 10 के लिए सेटेलाइट हो जाएगी और 11 के लिए आपकी केबल हो जाएगी। तो जो सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे वही डिवाइस आपकी कनेक्ट होगी और उसी की आउटपुट आपको स्पीकर पे मिलेगी। अब ये जो आपकी सिलेक्शन लाइंस हैं उसका ये आपका मक्स का आपका लॉजिकल सर्किट है। तो 4-1 आपने मक्स किस तरह बनाना है। अब 4-1 मीन्स के आपके 4 गेट्स यूज हो रहे हैं, ये सिलेक्शन लाइंस हैं। सिलेक्शन लाइंस वो उसी तरह जिस तरह आपने सीक्वेंस ये यहां पर साथ ट्रुथ टेबल मेंशन है उसी सीक्वेंस को फॉलो करके आपने इस तरह इसके कनेक्शन करने हैं जिस तरह आपने इनकोडर या डिकोडर में किया था। और यह आप इसकी क्लॉक पल्स से वेवफॉर्म से आप इसकी आउटपुट्स और सिलेक्शन लाइंस को डिजाइन कर सकते हैं। इट्स अपॉन यू कि आप किस सीक्वेंस पे क्या लें, बस आपने इस वाले टेबल को फॉलो करना है और जो इसकी वो बात बताएगी ये कि आपने किस सिलेक्शन लाइंस पे किस वाले आउटपुट को या किस गेट को आपने हाई करना है। इसी तरह आगे आपकी इंटीग्रेशन बढ़ गई है, आपके सर्किट बढ़ गए तो आप उसके लिए 8-1 या 16-1 मक्स आप बना सकते हैं। इस तरह डी मक्स है। अब डी मक्स में देखें क्या चीज है कि इनपुट्स आपके पास एक है और उससे मल्टीपल आउटपुट्स लेंगे। मक्स में आपकी मल्टीपल आपकी इनपुट से आपने किसी एक को सिलेक्ट किया था और बाकी सिलेक्शन लाइन सीक्वेंस वही था। ये देखिए आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम के साथ आपकी डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है, बीच में एक मल्टीपल आपका स्विच लगा हुआ है। सेम वही चीज है, नीचे वही अगेन आपके सिलेक्शन सीक्वेंस है कि जिस सीक्वेंस को आप इंप्लीमेंट करेंगे वो वाले डिवाइस आप ऑपरेट करेंगे। अब इसमें ये आपका ट्रू टेबल की चीज बता रहे हैं। सेम इसी तरह इसकी जो क्लॉक डायग्राम और आपकी इनपुट सिलेक्शन लाइंस उन सीक्वेंस को आप फॉलो करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आप फिर आगे MSI स्केल इंटीग्रेशन या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के लिए आप डिफरेंट डीमार्क्स को डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह एक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके पास गिवन है कि आपने अगर मल्टीपल्स काम करने हैं तो आप इसके लिए डिफरेंट कनेक्शन आप इनको 7 सेगमेंट्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी एक और एप्लीकेशन है कि आप इसको बाय यूजिंग मक्स से या डी मक्स से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखते हैं जिस तरह आपने कोई भी वर्ड्स है या कोई भी अल्फाबेट है जिसको आपने डिस्प्ले में लाना है तो ये उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आप इसको इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी एट अ टाइम सबको 7 सेगमेंट को पावर मिल रही है, आपका पावर का लॉस हो रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए आप मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर यूज करके आप इसकी पावर को कंजम्पशन कम कर सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी मोर एफिशिएंट कर सकते हैं या डिफरेंट सीक्वेंस को आप फॉलो करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपकी मक्स और डी मक्स की जो आईसी आप यूज करेंगे। अब काउंटिंग सीक्वेंस आपने क्या रखना है, आप रिपल काउंटर लगा लें या जिस टाइप का काउंटर आप चाह रहे हैं वो लगा के आप इसको सिंपल डिजाइन कर सकते हैं।